सरकार एक कश्मीर में एक तरफा फैसला लेने वाली थी, तो सिक्सर और तेजी से हटाने की तैयारी में और भी देखिए, मोदी जी ने देश की जनता से वादा किया था और देश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास प्रकट किया था। उस विश्वास के अनुरूप उन्होंने ये प्रस्ताव लाया और मैं समझता हूँ कि इस प्रस्ताव के माध्यम से न सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद समाप्त होगा, बल्कि कश्मीर के वो मंसूबे जो इस देश को हमेशा अशांत करने की कोशिश करते थे, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा लाभ हमारे सैन्य बल को ही मिलेगा, सैन्य बल का मनोबल भी बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख की जनता जो कि धारा 370 के कारण परेशान थी, उनकी परेशानी भी दूर होगी। वहाँ की जनता की बहुत पुरानी डिमांड थी और उनको धारा 370 लगने से ऐसा लग रहा था कि आज भी वो आज़ाद नहीं हुए, आज वो ये मान के चल रहे होंगे कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है। नहीं देखिए, ये लोग जो राजनीति करते हैं, इनका चेहरा देश में बेनकाब हो गया कि ये बात करते हैं पाकिस्तान की, नमक खाते हैं हमारे देश का। तो कुल मिलाकर इन लोगों की जो गतिविधियाँ हैं बहुत संदिग्ध है और देश के सामने इनका चेहरा उजागर हो गया और इसलिए इनकी गीदड़ धमकी से ये सरकार झुकेगी नहीं, सबको अपनी अपनी हैसियत बता दी जाएगी।